यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यस्त रहती हो, अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए लौट गए हों, तुम उनको देख करके खड़ी न हो पाई हो, उन्हें जल इत्यादि के लिए न पूछा गया हो, उनका सत्कार न किया गया हो, क्या तुम इसलिए उदास हो? अच्छे गृहस्थी बनिए, प्रतीक्षा करते रहिए मेहमानों की। मेहमानों की प्रतीक्षा करते रहिए, लोग आपके यहां आए, तुम्हें कुछ बनाने का मौका मिले, सौभाग्य मिले। क्योंकि जब तुम अकेली रहती हो तो बिस्कुट खा के पानी पी लेती हो, चूल्हा जलता ही कहां है। अपने लिए तो बहुत कंजूस हो, कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं है घर पर, पति भी नहीं है, तो चूल्हा तो चार चार दिन नहीं जलता, बस नमकीन खा के पानी पी लेती है जी। इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, घर का चूल्हा रोज जलाइए, भले ही दो परांठा बनाए भगवान के लिए, गौ माता के लिए। अतिथि की प्रतीक्षा कीजिए, बाहर देखिए दरवाजे पर कोई आया तो नहीं है, ना जाने किस भेष में मिल जाए हैं भगवान। बावन भगवान जिस नारी जिसे जन्म देती है वो ऐसे ही नहीं, इस नारी अदिति में बहुत बड़ी गुणवत्ता है। अच्छी संतान का जन्म होना इसमें बहुत कारण है, उसमें अतिथि सेवा भी है। यशोदा मैया के अंदर ये खास विशेषता थी, इसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता था। एक दिन तो यह बोल रही थी अपने पति को, मेहर तुम्हारी बड़ी कृपा है, जब तुम लोगन को लेकर के आते हो और मुझे रसोई बनाने को मौको मिले, जिमाइवे को मौको मिले, तो मेरो तो मन गदगद है जाए, मेरो मन मयूर नाचे है। तुम मो पे बड़ी कृपा करी हो, लोगने ले लेके आओ तो मुझे चूलो सुलगावे को सौभाग्य मिली है। ऐसो माँ यशोदा मैया बोले। ताली मत बजाना, आज 6 तारीख है, बजाते हैं आज। अच्छा, धन्यवाद, जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी नाम की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय 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 श्री राधे। तो गृहदा पूजिता याता प्रोत्थानेन वाक्चित्, घर पर कोई आवे देख कर खड़े हो जाओ, जल पिलाओ। उपनिषद में लिखा है दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति उसको आदर न दिया जाए, बैठने को ना कहा जाए, तो वह अपने अपराध छोड़कर और आपके पुण्यों को लेकर के वो प्रस्थान करता है। आने वाले व्यक्ति को बिना मुंह जूठा किए बिना मन जाने दीजिए, कम से कम पानी दें उसे, जल दें उसको, जरूरी है। महापुरुषों के, संत ब्राह्मणों के, गुरुजनों के चरण पढ़ते रहे, अतिथि मेहमान लोग आते रहे। एक बात मैंने बड़ी अद्भुत पढ़ी है, आप कोई भी किसी भी अनुष्ठान का आप उद्यापन करते हैं, विसर्जन करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाओ, सबको जिमाओ, संत महापुरुषों को जिमाओ, अनुष्ठान जब तक पूरा नहीं होता जब तक आप अपने परिवारजनों को भी नहीं बुलाते, ऐसा मैंने आज पढ़ा है। परिवारियों को भी बुलाइए, घर के लोगों को भी बुलाइए। और उसमें तो ऐसा वर्णन है कि किसी अनुष्ठान की पुड़ावती हो रही है तो भोजन अकेले नहीं, अपने परिवारी जनों के बीच में बैठकर, उनके साथ बैठकर के भोजन कीजिए। पयोव्रत जैसे अनुष्ठान की फलश्रुति तब ही पूरी होती है, अभी आप सुनेंगे विस्तार पूर्वक। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत सोचिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जरूरत के ही लिए सब काम नहीं होते, ये प्रकृति का सौंदर्य है। कोई शादी विवाह करते हो आप, लाखों रुपया खर्च करते हो, उसमें लोग ही नहीं है तो बांसवली का अच्छे लगेंगे, उसमें आपकी ननद, ननद की ननद है, भांजा, मामा, चाचा है, चाची की भी भतीजी है, भतीजी की भी और पता नहीं क्या क्या है, तो वो पूरा माहौल बहुत अच्छा लगता है।